So we are starting with the chapter number 9, some applications of trigonometry. इससे पहले बच्चे आप लोगों ने किया हुआ है कि जो हमने एक चैप्टर में किया था जो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे दैट वी विल अप्लाई ऑन टू द राइट ट्राइंगल्स ओनली. राइट ट्राइंगल में यू नो दैट हमारा ये एंगल 90 डिग्री बनता है. साइड ओपोजिट टू 90 डिग्री और यू कैन से द लॉन्गेस्ट साइड वी टेक एज हाइपोटेन्यूज. दिस साइड जो इसके बाद हम क्या लेते थे दोनों हमारे ये परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं. अगर मैं इसको बेस लेके चलती हूँ देन दिस इज द परपेंडिकुलर. अगर मैं इसको बेस लेके चलती हूँ देन दिस इज द परपेंडिकुलर. तो डिपेंडिंग ऑन द एंगल थीटा कि किस एंगल से मैं लेके चल रही हूँ किस एंगल को मुझे जो है कंसिडर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा. परपेंडिकुलर जो है दैट इज द साइड ऑलवेज अपोजिट टू द एंगल. जो आपको एंगल कंसिडर करके चलना है जो आप एंगल लेके चल रहे हो उसके अपोजिट साइड यू आर टू टेक एज परपेंडिकुलर एंड द साइड जो भी आपकी स्मॉलर साइड है एडजेसेंट टू द एंगल दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज बेस. अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है आपका यहाँ जो है हम इसको रियल लाइफ में क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हम जो है इसको नहीं लेके चलेंगे. वी विल टेक इट एज हाइट. सो जो हमारी यहाँ पे थीटा के अपोजिट साइड है दैट वी विल टेक एज हाइट. अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में आपको यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस यू हैव बीन गिवन कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो वो जो एप्लीकेशन है उसमें हम जो परपेंडिकुलर है उसको हाइट लेके चलेंगे. उसके बाद जो हमारा आता है कि इसको हम मेजर किससे करते हैं दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसको हम नेम जो है गिवन है दैट इज द थियोडोलाइट. यू कैन सी द पिक्चर इन योर बुक जहाँ पे आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है पेज नंबर 195. यू कैन सी दिस ओवर देयर. अब जो हम ज्यादातर इसमें लेके चलते हैं केसेस अब 90 डिग्री का एंगल बनना है. मान लो कि वन पर्सन इज स्टैंडिंग एट दिस पोजिशन. इस पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा है. मैं यहाँ पे डिपिक्ट कर रही हूँ उसके आई लेवल को बाई दिस डॉट. अब ये पर्सन मान लो एक बलून है इस पॉइंट पे और उसको ऑब्जर्व कर रहा है. ए जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन. बी जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ द बलून. तो जब भी हमें इस तरीके से गिवन होगा हम क्या करते हैं उसमें फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हम अप्लाई करने हैं ट्रिग्नोमेट्री को ओनली ऑन द राइट ट्राइंगल्स. तो हम क्या करते हैं उसमें फिगर जो है बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं कि हमारी राइट ट्राइंगल बन जाए. अब ये राइट ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया बलून से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अर्थ के ऊपर और यहाँ पे आई के पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ले ली अर्थ के सरफेस के पैरेलल लाइन ले ली. अब अगर मैं देखूं तो माई दिस इज द राइट ट्राइंगल मेरे पास ऑब्टेन हो गई. अब इस पे जो है मैं ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ. तो हमने क्या करना है जो भी हमें गिवन होगी प्रॉब्लम गिवन होगी गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हम पॉइंट्स ले लेंगे. उसके बाद हमने जहां पे भी उसको अप्लाई करना है वी आर टू फाइंड द राइट ट्राइंगल्स. कौन कौन सी राइट ट्राइंगल्स बनती हैं एंड ऑन दैट ट्राइंगल्स ओनली हम जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट हैं वो अप्लाई करेंगे. अभी जो मैं आपको समझा रही थी वो ये कि अगर हम एक लाइन पैरेलल लेते हैं टू द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ले लेती हूँ तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल. इस लाइन को मैं क्या बोलती हूँ हॉरिजॉन्टल. अब इस पॉइंट से जब मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ यानी कि मैंने जो है इस पोजीशन में देखा. जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो इट मींस आप अपनी आईज को एलिवेट कर रहे हो. एलिवेट कर रहे हो यानी कि उस केस में जो ये आपका थीटा बनेगा दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. सिंपल टर्म्स में आपने क्या लर्न करना है इसका क्या याद रखना है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जहां से आप देख रहे हो साइट पॉइंट है आपका. जब आप उससे हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ एक पॉइंट को देखते हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. और जिस लाइन में आप उसको देख रहे हो आई एम जस्ट व्यूइंग दिस बलून इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग में उसको देख रही हूँ तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनती है
दिस इज लाइन ऑफ साइट। आई से जो आई वाला जो पॉइंट है, अगर उसको मैं ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये जो मेरी लाइन बनेगी, दिस इज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो है, दैट इज द लाइन अलोंग विच द ऑब्जर्वर सीज द ऑब्जेक्ट। जिस लाइन के अलोंग मैं ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, वो जो है क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। और अगर आपका जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, इफ इट इज लाइन अबव द हॉरिजॉन्टल, तो हमारा जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ मैं कोई भी चीज देख रही हूँ, मेरे सामने यहाँ पे फैन है, फैन को मैं अगर ऊपर की तरफ देख रही हूँ, आईज मुझे ऊपर की तरफ मूव करनी पड़ रही है, तो इट मीन्स मेरी लाइन ऑफ साइट अबव द हॉरिजॉन्टल आ रही है। अगर लाइन ऑफ साइट अबव द हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो एंगल जो है दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, दैट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट। और जो आपका ऑब्जेक्ट है, दैट विल ऑलवेज लाई अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से ऊपर होगा हमेशा। लाइन ऑफ साइट क्या है, दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, पॉइंट जो जहां से ऑब्जर्वर है उसको व्यू कर रहा है, टू द ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एज अ पॉइंट ट्रीट करते हैं, आई को हम एज अ पॉइंट ट्रीट करते हैं। यू नो दैट व्हेन वी ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन हमें मिल रही है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। अर्थ के पैरेलल जो लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, एलिवेट कर रहे हो, तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। यस अमृत, लाइन ऑफ साइट की जब हम बात करते हैं, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से आप देख रहे हो और जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, साइट का मतलब आपके जो है आई के साथ बनेगा। ये आपका आई है जिसको हमने एक पॉइंट से डिपिक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देख रही हूँ, और आई से ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तो इसके साथ, इस वाले सरफेस के, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जब मैं ये लाइन लेती हूँ जो आई को ज्वाइन करेगी और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेगी, आई और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो आपकी लाइन है, इसको हम, क्योंकि लाइन है तो वी विल से लाइन ऑफ, देख के बन रही है आपकी ये लाइन, तो दिस इज लाइन ऑफ साइट। आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हो, ये हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर मैं आई और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर दूं तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। इट मीन्स कि मैं इस लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ। यू नो इट वेरी वेल कि जब भी हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, एक लाइन सेगमेंट बन जाता है वैसे तो, बट यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे, लाइन। अब क्योंकि मैं इस लाइन के अलोंग देख रही हूँ तो दिस इज लाइन ऑफ साइट। आई से अब लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे इस डस्टर को देख रही हूँ, तो मेरी आई से जब इस डस्टर को ज्वाइन करेंगे, डस्टर यहाँ पे दिस इज एन ऑब्जेक्ट, आई जो है उसको अगर मैं एज अ पॉइंट लेके चलती हूँ, तो आई से जो डस्टर को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये जो इमेजिनरी लाइन बन रही है, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। आई से जिस ऑब्जेक्ट को आप ज्वाइन कर रहे हो, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। अब क्योंकि ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, एंगल जो भी हमेशा आपका बनेगा वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेगा। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें हमेशा कैसे मिलेगी, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के पैरेलल। जैसे अब मैं यहाँ पे जमीन पे खड़ी हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, तो दैट लाइन विल बी जो है, लाइन ड्रॉ करूँ इन सच अ वे कि दैट इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, तो वो जो है क्या होगी, आपकी लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। दैट विल बी ज्वाइंट विद दिस लाइन ऑफ साइट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आई के पॉइंट से ही हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की अर्थ के सरफेस पे। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने पे जो आपका एंगल बन रहा है, उसको मैंने थीटा से डिनोट कर दिया, ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हो, आई हैव डिनोटेड इट बाय थीटा।
तो अब यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, आप एलिवेट कर रहे हो अपनी आई को, तो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड केस हमारा क्या बनता है, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में क्या होता है कि आई जो है वो ऊपर है, मान लो मैं रूफ पे खड़ी हूँ और रूफ से मेरा बॉल नीचे गिर गया, बॉल को मैं देख रही हूँ, तो अगर बॉल की पोजीशन ये है, दिस इज द पोजीशन ऑफ बॉल, दिस इज द पोजीशन ऑफ माय आई, तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया। अब आई से ऑब्जेक्ट ज्वाइन किया, यानी कि दिस इज द लाइन ऑफ साइट। अब एंगल जो बनता है हमेशा वो किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। हॉरिजॉन्टल हम हमेशा कहाँ से लेते हैं, आई से पैरेलल टू द अर्थ सरफेस लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आई से पैरेलल टू द अर्थ सरफेस ये लाइन ड्रॉ हो गई आपके, इट मींस ये एंगल आपका थीटा। अब ये हॉरिजॉन्टल था आपका, ऑब्जेक्ट जो है दैट इज लाइंग बिलो द हॉरिजॉन्टल। जब भी ऑब्जेक्ट जो है दैट इज लाइंग बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो ये जो आपका एंगल थीटा है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम डाउन की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो डी फॉर डाउन, डी फॉर डिप्रेशन याद रखो, यानी कि जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो आपका कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने यहाँ पे रखा ये, यहाँ से नीचे की तरफ अगर देख रही हूँ मैं इसको, तो यहाँ जो एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी को अगर मैं ऐसे ऊपर रख लेती हूँ, तो अब मेरा आई से जो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन मैं ड्रॉ करूंगी हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट विल गिव मी द एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल हमेशा बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से ऊपर है तो एलिवेशन बनेगा एंगल, और अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से नीचे है तो दैट विल बी कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट यूज करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। एलिवेशन के केस में तो हम उसको डायरेक्ट एज इट इज लेके चलते हैं, और डिप्रेशन के केस में हमें कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। अब दिस इज द पोजीशन ऑफ आई, यहाँ ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये एंगल थीटा हमें गिवन, तो हमें क्या करना होता है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये जो आपकी लाइन ऑफ साइट है दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट पता है, तो आप यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आई है, ये आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये वाला ट्राइंगल लेके हमें जो भी कैलकुलेशन करनी होगी दैट वी विल डू। एक चीज का हमेशा आपने ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आपको गिवन है, यहाँ पे थीटा आप शो करोगे विद दिस हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिलो द हॉरिजॉन्टल, और उस केस में आप नीचे एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करके यहाँ पे थीटा ड्रॉ करते हो। अगर आप यहाँ इसको ये शो ना करके सीधा थीटा यहाँ पे शो कर देते हो तो योर मार्क्स विल बी डिडक्ट। नो डाउट कि फिगर आपने यही यूज करनी है, तो आपके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको ना भी शो करें आंसर तो हमारा निकल आएगा, बट दैट कंसेप्ट विल बी रॉन्ग। कंसेप्ट एक्चुअल में क्या था आपका, ये एंगल थीटा हमें गिवन था, ये हम जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज करके इसको जो है आगे फर्दर सॉल्यूशन करेंगे अपना। तो एंगल ऑफ जब भी आपको डिप्रेशन गिवन है, और वी कैन से व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइन बिलो, आप आई जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऊपर है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। उस केस में ये लाइन डाल के यहाँ पे थीटा या जो भी आपको वैल्यू गिवन है वो लिखनी जरूरी है। जो सॉल्यूशन के लिए है वो ट्राइंगल हम यही यूज करेंगे, बट यहाँ से एग्जामिनर को आप जो है शो कर रहे हो कि आपको जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर है। So you are to take care of this, कि जब भी angle of depression की बात हो रही है, observer नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये horizontal और ये angle की value यहाँ पे आपने जरूर show करनी है। So ये था आपका concept angle of elevation, line of sight and height. Height इसमें हमेशा ये theta है, theta के opposite हमेशा आपने height लेनी चाहिए। Now moving on to the questions. अब इसी पे based आपके questions हैं।
आई होप इनकी जो है डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी. फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, लाइन ऑफ साइट क्या है. दैट इज द लाइन जो है ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट. ये आपकी क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. आंख से ऑब्जेक्ट तक, चाहे वो ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट, चाहे नीचे की तरफ है, जो भी लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट जो है इन द ऑब्जेक्ट, जो आप ऑब्जर्वर जो है जिसको व्यू कर रहा है, द ऑब्जेक्ट दैट इज व्यूड बाय द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल. जिस पॉइंट को आप देख रहे हो दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल. This is horizontal, above the horizontal. ये आपकी आई है तो ये एंगल आपका कौन सा बन रहा है. This is your line of sight, तो ये एंगल जो है that is the angle of elevation. Same way में angle of depression क्या है, that is the angle between the line of the sight and the horizontal when the object is lying below the horizontal. तो ये आपका जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, this is the angle of depression. डाउन की तरफ ऑब्जेक्ट है तो डिप्रेशन, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो एलिवेशन. सो दीज इम्पॉर्टेंट, दीज आर योर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट विल बी यूज इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1. वी आर गिवन, सबसे पहला जो इसमें काम करना है, आपने स्टेटमेंट समझो, उसको इमेजिन करो, दिमाग में फिगर बनाओ कि यहाँ ये खड़ा है, यहाँ ये खड़ा है, ऐसे ऐसे ये हो सकता है. देन आप इसको फिगर को इस पे करो, पेज पे ड्रॉ करो. वंस यू हैव गॉट द करेक्ट फिगर, तो सॉल्यूशन जो है दैट आर क्वाइट इजी. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड from the top of a vertical top pole to the ground. अब एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो एक जो है रोप पे चढ़ रहा है. रोप जो है उन्होंने कैसे बताया है हमें, यहाँ पे ये नहीं है कि जो आप पुराने टाइम में देखते थे कि वो रस्सी पे यूं स्ट्रेट रस्सी बंधी होती है दोनों तरफ पोल्स पे और उसके ऊपर चढ़ रहा है. यहाँ उसने हमें क्लियर कट क्या कहा है कि जो रस्सी है वो पोल के साथ उसका एक एंड बंधा हुआ है एंड द अदर एंड इज टाइटली स्ट्रेच्ड टू द ग्राउंड. तो इट मींस ये रोप की पोजीशन है, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा. आप दोबारा से देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल खींच के बांधी गई है ताकि उसमें किसी तरह का कोई स्लैक ना रहे, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. Tied from the top of the vertical pole to the ground. ये ground पे vertical pole के top से इसको खींच के बांधा गया है. खींच के बांधा गया है word का मतलब क्या है, there is no slack, यहाँ पे कोई भी रस्सी कहीं पे भी ढीली नहीं है, तो it will be treated as a straight line. ये हो गया आपका pole और ये हो गई आपकी rope. Rope की जो length मुझे given है that is 20 meter. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Angle made by the rope with the ground is 30 degree. So statement read ki, imagine kiya, figure ban gayi. Once you have drawn the figure, ab aapko kya nikalna hai? You are to find the height of the pole. Theta mujhe given hai. Iske 90 ke opposite, this is the hypo. Hypo mujhe given hai. थीटा और हाइपो मुझे गिवन है. थर्ड थिंग हाइट, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, इट मींस मुझे कैलकुलेट करना है, यानी कि क्या क्या थिंग्स इन्वॉल्व है, थीटा देन परपेंडिकुलर एंड हाइट हाइपो. थीटा परपेंडिकुलर और हाइपो, अगर आप कंसेप्ट याद करो, रिकॉल करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो दिस इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल. ठीक है, साइन ऑफ द एंगल की रेशियो है P अपॉन H, यानी कि थीटा मुझे गिवन है, P मुझे निकालना है, H मुझे गिवन है.
ये कंसेप्ट आप यूज करोगे. मेन इसमें आपको फिगर ड्रॉ करनी थी, बाकी सारा कंसेप्ट आपने जो 8th चैप्टर में किया हुआ है दैट यू आर टू यूज. यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा इनको, ये प्रॉपर वे में आपको बता रही हूँ कैसे लिखना है. आपने लेट ए बी रिप्रेजेंट्स पोल, ए बी जो है वो पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रोप, और इसकी लेंथ कितनी गिवन है 20 मीटर. उसके बाद हमें जो है राइट ट्राइंगल बन रही है हमारी ए बी सी. इस राइट ट्राइंगल ए बी सी में आपका जो एंगल बी है दैट इज 90 डिग्री, एंगल सी जो है दैट इज 30 डिग्री. अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हाइट ऑफ द पोल यानी कि आई हैव टू कैलकुलेट दिस ए बी. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी जो है दैट इज साइन, आप चाहो तो यहाँ पे थीटा भी शो कर सकते हो, अदरवाइज सी भी लिख सकते हो, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है, हाइपो हमें 20 गिवन है, साइन 30 यू नो दैट इज 1/2, आप इधर ले जाओगे आफ्टर द कैलकुलेशंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस परपेंडिकुलर टू बी इक्वल टू 10 मीटर. अब ये परपेंडिकुलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल को. अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ए बी भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह यू कैन राइट डाउन ए बी, देन दिस विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब ए बी 10 मीटर आ गया, ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट ऑफ पोल को. So you will write down height of pole is equal to 10 meters. So this was your question number 1 of exercise 9.1. If anyone is having any doubt in this, you can ask. I'm explaining this once again. See the question. A circus artist is climbing a 20 meter long rope. एक 20 meter long rope है जिसपे एक circus का artist जो है वो चढ़ रहा है. और आगे क्या given है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. जो रोप है that is tied from the top of the pole to the ground. तो ये जो है position बनेगी रोप की. यहां से perpendicular draw किया, अर्थ के surface के parallel एक line draw की, ये हमारा horizontal हो गया, ये हमारा perpendicular हो गया, ये angle हमारा theta है, theta के opposite हमने perpendicular लिया. तो मुझे क्या निकालना है, I have to find the height of this pole. हाइट ऑफ दिस पोल निकालना है, यानी कि इसको मुझे लेके चलना ही चलना है. थीटा के ऑपोजिट है तो दिस इज परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट लॉन्गेस्ट साइड तो दिस इज हाइट. अब मुझे पी गिवन है, मुझे एच गिवन है, मुझे थीटा जो है एंगल गिवन है 30 डिग्री. पी एच और थीटा, पी और एच का रेशियो किसके इक्वल होता है, कौन सा टी रेशियो लेते हैं, साइन. तो साइन थीटा पी बाय एच, यानी कि ये कंसेप्ट मैंने यूज किया. P जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द पोल, ये दो वैल्यूज मेरे पास थी. आपके पास जब भी ये रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करते हो, यू आर इन टोटल हैविंग द 3 वैल्यूज आउट ऑफ विच 2 विल बी गिवन टू यू. यहाँ पे मुझे ये 2 वैल्यूज गिवन थी, सिंप्लीफाई करके आई हैव गॉट द हाइट ऑफ द पोल. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, यू हैड डन दिस इन 7th and 8th आल्सो. इसमें क्या है, आपको गिवन है कि एक स्टॉर्म में जो है एक ट्री ब्रेक कर जाता है एक पॉइंट से, और जो उसका पॉइंट जिस पॉइंट से वो ब्रेक किया उसके ऊपर वाला पोर्शन ट्री का जो है वो अर्थ को टच करता है, ग्राउंड पे टच करता है. यू आर गिवन a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground
making an angle of 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. मान लो ये tree given है, this is the breaking point जहां से वो टूटता है. अब ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला वो टूट गया. ये पार्ट टूट के जो है वो कहते हैं कि इस तरीके से गिरता है कि अर्थ को टच करता है. जो इसका टॉप है ये अर्थ को टच करता है. तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये कर दिया. अब ट्री जो था वो हम एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो 90 डिग्री का एंगल हम हमेशा लेके चलेंगे. यहाँ पे हमने यही एज्यूम करके चलना है अंटिल और अनलेस कि हमें और कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि ट्री जो है वो अर्थ के साथ ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा था दैट वॉज 90 डिग्री. अब ये जो है हमारा दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट और हमें क्या गिवन है, ये हमारा हो गया ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री जो टूट के उसको टच कर रहा है. अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि ये एंगल कितने का बना रहा है 30 डिग्री. दिस एंगल इज 30 डिग्री और जो टॉप ऑफ द ट्री है फ्रॉम द फुट ऑफ द ग्राउंड फुट ऑफ द ट्री ये आपको डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर. तो ये मैंने पॉइंट ले लिया P, दिस इज Q, दिस इज R. अब जो निकालना है मुझे वो क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री क्या है, दैट इज दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस. इसको जब हम वापस अगर खड़ा कर देते हैं तो ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल हाइट ऑफ द ट्री. अभी के लिए ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट टूट के इधर ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी कि जो हाइट ऑफ द ट्री बनेगी दैट इज ए आर, दैट इज ए पी प्लस पी आर. अब ए पी जो है वो किसके इक्वल आएगा, पी क्यू के. तो इट मींस वी हैव टू फाइंड दिस हाइट. इक्वेशंस आपने ऑलरेडी किए हुए हैं. अब एंगल थीटा जो है वो मुझे 30 डिग्री गिवन है और जो डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द फुट ऑफ द distance of the top of the tree from the foot of the tree that is given to be 8 meter. अब theta के adjacent side है तो it means base मुझे given है और जो theta के adjacent side longest वाली है that I have to calculate base और hypo का ratio. Base और hypo का ratio means cos theta. तो ये मेरा concept यहाँ पे use होगा. So I hope the question is clear to you. Solution you will do yourself. This is your homework part. आपको सिर्फ यहाँ पे अब लिखना आपको पूरा उसी तरीके से है. Let AR represents the total height of the tree. At point P, the tree breaks and touches the ground. जो है part of the tree that touches the ground is represented by PQ. उसके बाद QR जो है that is the distance of the top of the tree from the base of this tree. ये गिवन है एंड थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री एंड यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट थीटा. सो दिस वाज योर क्वेश्चन. जस्ट अ मोमेंट अमृत. यस बच्चे, मेरे सेकंड क्वेश्चन है मैम, पहले सीन 13 लगाएंगे उसमें हम पी की वैल्यू निकालेंगे, पहले सीन 13 का लगा के. जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन अमृत. मैं कह रहा हूँ कि पहले सेकंड क्वेश्चन में सीन 30 की वैल्यू डालेंगे क्योंकि उससे फिर पी आर आ जाएगा हमारा. कहाँ पे कह रहे हो बच्चे? सेकंड क्वेश्चन में हमें सिर्फ बेस दिया, हमें ना हमें हाइट दी हुई है ना हमें हाइपो दिया हुआ है. बेटे साइड और हाइपो नहीं गिवन है बट मुझे 30 डिग्री गिवन है ना. 30 डिग्री गिवन है मुझे, ये एक एंगल गिवन है, एक ये बेस गिवन है. कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो. तो यहाँ से कॉस थीटा यानी कि कॉस 30, बेस कितना गिवन है 8, हाइपो मुझे निकालना है. हाइपो यानी कि ये आपका QP आ जाएगा, QP आपके पास आ जाएगा तो आप उसको हाँ BR में क्योंकि आपको हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट करनी है तो BR भी आपको निकालना पड़ेगा. यस यस यू हैव टू कैलकुलेट. यहाँ पे आप साइन 30 भी यूज करोगे, फर्स्ट कॉस 30 यूज करोगे देन साइन 30 यूज करोगे बिकॉज यू आर टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री. टोटल हाइट ऑफ द ट्री के लिए मुझे ये भी चाहिए जो मुझे इस हाइपो से मिल जाएगा, मुझे ये भी चाहिए बिकॉज दिस इज ऑपोजिट टू थीटा तो ये परपेंडिकुलर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ से आपका हाइपो आ जाएगा, हाइपो वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे
या फिर आप tan थीटा लेके भी कर सकते हो, अगर हाइपो यूज नहीं करना चाहते तो यू कैन यूज दिस, tan 30 इज इक्वल टू पी बाई ए, तो वहां से आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये एच और पी वाली जो भी दो वैल्यूज आएंगी आप इनका सम टोटल करोगे तो यू विल गेट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर टू दैट यू आर टू कम्प्लीट योर सेल्फ, और इफ एनी वन एल्स इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट। So I hope no doubts are there, then it's fine. I'm just ending the meeting. Thank you. Have a nice day.